मतलब कैसे अपना कम्युनिटी टैब में फोटो वाला यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दूँ जो कि बहुत ऑसम तरीका से देखने में मिलेगा, उसमें कैसे अपना उस तरह का अपना कम्युनिटी टैब में कैसे पोस्ट कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरा डिटेल के साथ। अपना कम्युनिटी टैब में उस तरह का पोस्ट करके दिखाऊंगा, मैं एक पोस्ट किया हूँ देखने मिलेगा, बगल में फोटो रहेगा और उसके मतलब कि चार ऑप्शन रहेगा और बगल में फोटो देखने मिलेगा और वहाँ पर नाम भी देखने मिलेगा जो कि बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण से आपका ऑडियंस अपना ऑडियंस के साथ अपना वोटिंग करा सकते हो। उसमें जो क्लिक करेगा वहाँ पर वोट लिखाएगा, वोट भी लिखाएगा और वहाँ पर दिखाएगा भी कितना परसेंट आदमी क्या चाहता है आपका, उस तरह का आप कैसे वोटिंग कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। उससे पहले जहाँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और जब वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो गाइस चलते हैं फोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको लाइक प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये मेरा देख सकते हैं यहाँ पर चैनल है और यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिटी टैब में आप इस तरह का कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपना पोस्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पर प्लस का आइकन देखने मिलेगा, जिस भी चैनल पर आपको इस तरह का पोस्ट करना है तो गाइस यहाँ पर क्या करना है प्लस के आइकन पर सिंपली क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटिव पोस्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा, ठीक है। गाइस यहाँ पर क्या करना है क्रिएटिव पोस्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्रिएटिव पोस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या करना है यहाँ पर इमेज पोल का ऑप्शन देखने मिलेगा, ठीक है। इमेज पोल पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इमेज पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा और यहाँ पर आपको क्या करना है वो जो सवाल अपना पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद क्या करना है कौन सा कैरेक्टर आप यूज करते हैं, जो भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं और वो फोटो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। गाइस यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन वन आपको ई वाले पे क्लिक करना है, इस पर टैप कर देना है। इस पर जैसे ही टैप करेंगे आपको जो भी मतलब कि कौन सा कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, मैं फ्री फायर से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं और यहाँ पर देखते हैं मैं डाउनलोड किया हूँ पहले से, क्या करना है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखते हैं आपको आ चुका, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पर देखते हैं आ चुका, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है देख सकते हैं यहां पर प्रीव्यू टू बेस्ट 1.1 प्रीव्यू, मतलब कि 1.1 का आपको फोटो लगाना है, ठीक है, जो कि आपका स्क्वायर में वहां पर मिल जाएगा पिक्सल में, ठीक है। गाइस यहां पर जैसे ये फोटो लग चुका है ये सिंपली आधा ही लगेगा क्योंकि ये मतलब कि लॉन्ग फॉर्म में इसको स्क्वायर में ही रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्क्वायर में आपको डाउनलोड कर लेना है वो फोटो। उसके बाद क्या करना है यहां पर सेव का ऑप्शन देखना, सेव पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सेव पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पर देखते हैं फिर यहां पर जो भी नाम है इसका वो आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे कि इसका नाम है स्केलर तो यहाँ पर टैप कर देना है और यहाँ पर स्केलर लिख देना है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर बैक आ जाना है, फिर यहाँ पर क्या करना है ऐड ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन आ चुका है, फिर यहाँ पर इमेज वाले पर सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ से एक और इमेज ले लेना है, जो भी आपको सवाल पूछे हैं कौन सा कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 3-4 कैरेक्टर आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आलोक लगा दिया और आलोक देख सकते हैं यहाँ पर आलोक आ चुका है और इसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ALOK आलोक लिख दिया और आदमी जो भी चाहेगा उस पर टैप करेगा और आपको पता चलेगा कि आदमी कौन कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा यूज कर रहा है। तो गाइस यहाँ से क्या करना है ये हो गया, फिर क्या करना है यहाँ पर आप चाहते थे शेड्यूल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर टाइम का देखने मिलेगा, जो भी आप शेड्यूल लगाना चाहते हो वो आप शेड्यूल लगा सकते हैं, जब भी आप सोचेंगे कि आपको उस टाइम में ही ये पोस्ट अपलोड हो जाए बिना हमें कुछ किए हुए तो गाइस यहाँ पर टाइम सेट कर देंगे, उसी टाइम को उसी डेट को यहाँ से देख सकते हैं, उसी डेट को आपको अपलोड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर फिर बैक आ जाना है और यहाँ पर जैसे एक नया फीचर आए कि आप 24 घंटा तक रखना चाहते हैं या हरदम के लिए रखना चाहते हैं, मैं हरदम के लिए रखना चाहता हूँ अपना कम्युनिटी पोस्ट में, यहाँ पर नन पर क्लिक कर देना है और जहाँ आप चाहते हैं कि 24 घंटा के बाद हट जाए गाइस यहाँ पर 24 घंटा पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्या करना है यहाँ पर नन पर मैं रहने देता हूँ, फिर बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद क्या करना है यहाँ पर पोस्ट पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। पोस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आज यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पोस्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर देता हूँ, व्यू पर जैसे ही क्लिक करूँगा देख सकते हैं यहाँ पर ये हो चुका है कौन सा कैरेक्टर यूज़ करते हैं, यहाँ अपना जो भी आदमी क्लिक करेगा वहाँ पर आपको परसेंटेज देखने मिलेगा। तो इसी तरह से आप इस तरह का पोस्ट कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो का पसंद आएगा गाइस, वीडियो जो पसंद आए वीडियो लाइक कर दें और हमारा कॉन्टेंट थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो गाइस नीचे सब्सक्राइब बटन दे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन सेट कर दें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।